हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पटेल दीक्षिता फ्रॉम अश्वमिक विद्यालय किला पार्डी। फ्रेंड्स, टुडे वी आर लर्न अबाउट स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 8, विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। फ्रेंड्स, इन दिस यूनिट वी आर लर्न अबाउट ओरिसा साइक्लोन। देन वी डिस्कस अबाउट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर एंड हाई स्पीड विंड्स आर accompanied by reduced air pressure. Then we learn about air expand on heating and wind currents are generated due to uneven heating on the earth. जिसमें हमने देखा था uneven heating between the equator and the poles. Now today we are learn about the next topic. It is uneven heating of land and water. So जैसे हमने sea breeze and land breeze देखा था, जिसमें हमने wind, okay? So sea breeze में क्या होता है कि जो hot wind होता है वो land की ओर आता है, तो उसे क्या बोलते हैं? Sea breeze. And land से जो cool water, cool air कहाँ जाती है? सी की ओर, तो उससे बोलते हैं लैंड ब्रीज। तो उसी तरह अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। सो लैंड एंड वाटर की जो किस तरह से उसमें इक्वेटर होता है, तो उसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज इन चैप्टर 4। सो हमने चैप्टर 4 में क्या डिस्कस किया था? सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। जैसे मैंने आपको बताया, इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन द दैट ऑफ वाटर इन ओशियंस। सो ओशियंस में जो वाटर होता है उससे लैंड का टेम्परेचर कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजिंग। दिस कॉजेज द वाइंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशियंस टूवर्ड द लैंड। दीज आर मानसून वाइंड्स। सो क्या होता है कि लैंड जो होती है वो बहुत ही ज्यादा हीट होती है, तो लैंड के ऊपर जो एयर है वो क्या होगी? लैंड के हीट की वजह से वो एयर भी हीट होगी एंड राइज, मीन्स हीट होके वो ऊपर की ओर बढ़ेगी। उस एंड वो हीटेड एयर जो है वो ऊपर की ओर जाएगी एंड ओशियन की जो कूल है एयर वो कहाँ आएगी? लैंड के पास। ओके, दीज आर मानसून वाइंड। सो इस तरह से क्या होता है? वाइंड का फ्लो होता है। द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम। दीज मीन्स सीजन। सो मानसून वर्ड कहाँ से आया है? अरेबिक वर्ड मौसम से, जिसका मीन्स क्या होता है? सीजन। ओके, जैसे हमारे यहाँ 3 सीजन्स है, विंटर, समर एंड मॉनसून। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड फ्लो गेट्स रिवर्स्ड। इट फ्लो फ्रॉम द लैंड टू बी ओशियन। सो विंटर में क्या होता है कि लैंड क्या होती है? लैंड का टेम्परेचर ओशियन के टेम्परेचर से कम होता है। सो लैंड की एयर जो है वो कहाँ होती है? लैंड की एयर ओशियन के तरफ फ्लो होती है। एंड समर में क्या होता है? ओशियन की जो एयर है वो लैंड की ओर मूव होती है, बिकॉज लैंड की जो एयर है वो बहुत ही ज्यादा हीट होके क्या होती है? राइज होती है, मीन्स ऊपर की ओर चली जाती है। द वाइंड फ्रॉम द ओशियन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। इट इज अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। सो वाटर साइकिल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि वाटर साइकिल में क्या होता है कि हीट, ज्यादा हीट की वजह से क्या होता है? ओशियन की जो एयर है उसमें क्या होता है? मॉइस्चर होता है, मींस वाटर होता है, तो वो हीट होके लैंड की ओर आएगी एंड लैंड से वो हीट होके ऊपर की ओर जाएगी, राइज होगी, तो उससे क्या बनते हैं? क्लाउड्स बनते हैं। सो क्लाउड्स बनते हैं, जब क्लाउड्स में जो स्ट्रीम है वो कूल होगी एंड उसकी क्या होती है? बारिश होती है। सो वापस वो वाटर कहाँ पे आता है?
यस लैंड पे आता है, तो वो पूरा साइकिल उसे क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। द मॉनसून वाइंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। सो मॉनसून के जो वाइंड्स होते हैं वो विंड्स में क्या होता है, वाटर एंड उससे क्या होता है, रेन। ओके, क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। फार्मर्स इन ओवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट। देयर आर मैनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विथ क्लाउड्स एंड रेन। सिंग एंड एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स इट यू नो सच अ सॉन्ग, हियर इज वन ऑफ यू। सो क्या होता है कि क्लाउड्स मीन्स बादल जो कि बरसात लाते हैं, सो वो जो मॉनसून वाइंड होता है तो उसमें क्या होता है, वाटर होता है। मीन्स उसमें एयर के साथ क्या होता है, मॉइस्चर, एंड वो मॉइस्चर मीन्स वाटर गर्म होके हीट होके राइज होता है, ऊपर की ओर जाता है, क्लाउड्स बनते हैं। एंड जब वो क्लाउड्स कूल होते हैं, ठंडे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, रेन एज अ रेन वापस वाटर लैंड पे आ जाता है। तो इसी तरह से वाटर साइकिल चलता है। एंड हमारी कंट्री के जो फार्मर्स है, किसान है, तो वो किस पे डिपेंड होते हैं, मेनली रेन वाटर पे। ओके, तो वो जो क्रॉप लगाते हैं तो वो किस पे डिपेंडेंट है, रेन वाटर पे। एंड उसी से हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे फॉक सॉन्ग्स हैं जो कि क्लाउड्स एंड रेन से रिलेटेड है। ओके, सो फ्रेंड्स आपको भी ऐसे सॉन्ग्स के बारे में आप जानते होंगे, तो आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है एंड वो सॉन्ग गाना है। सो यहाँ पे भी एक फॉक सॉन्ग दिया है, रोरिंग क्लाउड्स अक्रॉस द स्काई टेल अस दैट मॉनसून्स हियर, डार्क एंड फ्लोटिंग क्लाउड्स देन पॉर रेन ड्रॉप्स एवरीवेयर। क्लाउड्स मेक लाइटनिंग फ्लैश ओवरहेड एंड ड्रैगेड फील्ड्स विथ रेन। क्लाउड्स मेक अर्थ इट्स फ्रेग्रेंस स्प्रेड व्हेन वेट विथ ड्रॉप्स ऑफ रेन। सो ये जो सॉन्ग है वो मॉनसून रिलेटेड फॉक सॉन्ग है, जो कि क्लाउड वाटर एंड मॉनसून पे, मॉनसून को लेके बनाया गया है। ओके, सो फ्रेंड्स आपको ये सॉन्ग भी पढ़ना है। इसी तरह के अलग अलग फॉक सॉन्ग्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाउएवर इट इज नॉट ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग, रेन्स ऑफ्टन क्रिएट प्रॉब्लम। सो आप सब जानते हैं कि रेन्स जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। कैन यू लिस्ट सम वन ऑफ प्रॉब्लम्स, यू कैन डिस्कस द काउजेज एंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स विथ योर टीचर एंड पेरेंट्स। इन नेचर इट्स सेल्फ देर आर सर्टेन सिचुएशन दैट कैन समटाइम्स क्रिएट डिजास्टर्स एंड पॉजिटिव टू ह्यूमन्स एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। लेट स्टडी टू सच सिचुएशन, थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। सो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस है रेन के जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लाइक थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन। सो फ्रेंड्स साइक्लोन के बारे में आपने डिस्कस किया होगा, एंड ये चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने साइक्लोन के बारे में डिस्कस किया कि ओडिशा में जो साइक्लोन आया था तो वो बहुत ही डेंजर था, एंड उसमें बहुत ही सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी नुकसान पहुंचाया है, एंड वो बहुत ही हार्मफुल है। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। इट इज थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। सो व्हाट इज थंडरस्टॉर्म? ओके, थंडरस्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली। द राइजिंग टेम्परेचर्स प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड वेर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन। द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड। इट इज दिस इवेंट दैट वी कॉल अ थंडरस्टॉर्म। सो
जो ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल एरियाज है इंडिया के, तो उसमें ये थंडर स्टॉर्म डेवलप होते हैं. ओके, सो जो वाइंड्स हो रहे मींस जो हाईली टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर हाई होता है, तो ऐसे विंड्स क्या करते हैं, वो वाटर के ड्रॉप्स को ऊपर ले जाते हैं, मींस राइज करते हैं. एंड जब वो कूल होते हैं, जो वो वाटर ड्रॉप होते हैं, तो वो वापस क्या होता है, डाउनवर्ड में आते हैं, मींस वो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं. एंड ये जो मूवमेंट है, तो उसमें क्या होता है कि जो हॉट एयर है वो ऊपर की ओर जाती है एंड जो कूल है वो नीचे की ओर आती है. तो उसमें से क्या क्रिएट होता है, यस लाइटनिंग एंड क्या क्रिएट होता है, लाइटनिंग एंड साउंड. सो प्लीज अंडरलाइन फिल इन द ब्लैंक, या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जो राइजिंग एयर है वो क्या क्रिएट करती है, लाइटनिंग एंड साउंड. एंड ये जो इवेंट है उसे क्या बोलते हैं, थंडर स्टॉर्म. ओके, यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग एंड इन हायर क्लासेस. सो आप 11th 12th में जब जाओगे तो इसके बारे में आप स्टडी करने के लिए आएगा इसके बारे में. इफ अ स्टॉर्म इज अकॉम्पेंड बाय लाइटनिंग, वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन. सो इस तरह से जो स्टॉर्म आता है, तो उसमें हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो यहाँ पे दिए गए हैं. सो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, सो आपको याद रखना है. डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री. इफ यू आर इन अ फॉरेस्ट, टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री. डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड. सो आपको बड़े से ट्री के पास खड़े नहीं रहना है. ओके, तो आपको स्मॉल ट्री के पास खड़े रहना है. ओके, आप वहां पे शेल्टर कर सकते हो. डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ अ मेटलिक एंड. सो जिस अम्ब्रेला में मेटलिक एंड हो, तो वहां उसे भी नहीं पकड़ना चाहिए, बिकॉज जो लाइटनिंग है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, एंड उसके कारण आपको शॉर्ट लगने की पॉसिबिलिटी है. डू नॉट सीट नियर अ विंडो. ओपन गैरेजेस, स्टोरेज सेट्स, मेटल सेट्स आर नॉट सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर. सो आपको अगर शेल्टर लेना है, तो आपको विंडो के पास नहीं खड़े रहना है. एंड गैरेज स्टोरेज सेट्स जो होते हैं, मीन्स मेटल के जितने भी सेट्स हैं, वो आपके लिए सेफ नहीं है. अ कार और अ बस इज अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर. सो आपको शेल्टर लेने के लिए कार या फिर बस जो है वो सेफ प्लेस है. ओके, इफ यू आर इन अ वाटर, गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग. सो आप अगर वाटर में है या फिर वाटर के पास है, तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी लगने की चांसेस ज्यादा है, तो आप क्या करें, जल्द ही बिल्डिंग के अंदर चले जाए. ओके, सो ये सारे प्रिकॉशंस है थंडर स्टॉर्म से बचने के लिए. सो आई होप यू अंडरस्टैंड थंडर स्टॉर्म. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी लर्न अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज हाउ अ थंडर स्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन. सो थंडर स्टॉर्म साइक्लोन में कन्वर्ट कैसे होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ.